हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग का सेशन मैं लेकर आया। सेशन रहेगा सेटिंग अरेंजमेंट का फॉर द एग्जाम आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2018। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट का एक सवाल जो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2018 मतलब लास्ट ईयर में पूछा गया था, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी किस लेवल के एग्जाम्स, किस लेवल के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सवाल देखेंगे। पढ़िए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर एट फ्रेंड्स सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन दी सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, तो कुछ अंदर देख रहे हैं और कुछ बाहर देख रहे हैं, और आठ दोस्त एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं। ठीक है, तो जनरली जो सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल रहते हैं स्पेशली सर्कुलर, वो भी पॉसिबिलिटी केसेस से बनते हैं। केसेस बनाइए और जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन आगे यूज करेंगे सभी केसेस एलिमिनेट होते रहेंगे और सिर्फ एक ट्रू केस आपका बचेगा। तो इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बनाया, आठ जनों को बिठाया, एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ। तो ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ये कहां बैठता है, एच के तीसरे राइट पे। तो एच को यहां सेट किया हमने और ए को थर्ड राइट पे करना है, ए को थर्ड राइट पे बिठाना है। तो अब ये नहीं पता एच सेंटर फेसिंग है या अवे फेसिंग है, तो दो केसेस यही बन जाएंगे। तो केस वन इसको नाम दे देते हैं और एक और केस टू करके बना देते हैं। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं दो पॉसिबिलिटी केसेस के, एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ। एच यहां पर है, अवे फेसिंग। ठीक है, अवे फेसिंग है तो क्या बोला था, अवे फेसिंग है। अब ए थर्ड राइट पर है, थर्ड राइट क्या हो जाएगा, थर्ड राइट क्या हो जाएगा, एक दो तीन यहां पर ए आ जाएगा आपका, अगर अभी फेसिंग है। अगर सेंटर फेसिंग है तो एक दो तीन ए यहां पर आ जाएगा। तो दो केसेस से हमने स्टार्ट कर दिया। आगे देखिए, देर इज टू पीपल सिट्स बिटवीन एच एंड बी, एच और बी के बीच में दो लोग आएंगे। ठीक है, तो केस वन में देखते हैं, अगर इस तरफ अगर बी रहे तो दो लोग, और फिर पर यहां पर तो पहले से ही ए है जहां पर बी को आना चाहिए, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड नहीं रहेगा, इस साइड ही राइट साइड ही रहेगा। एक दो और बी यहां पर सेट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब केस टू में देखते हैं, लेफ्ट साइड देखते हैं, एक दो और बी यहां सेट। अब राइट साइड अगर सेट किया जाता बी को, तो एक दो पर यहां पहले से ही ए है, तो बी इसका मतलब लेफ्ट साइड ही आएगी एच। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी कहां बैठती है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के सेकेंड लेफ्ट मतलब एक दो इस तरह। अगर बी बाहर देख रहा होता, पर बाहर देख रहा होता, अगर बाहर बी देख रहा होता केस वन में, तो सी को कहाँ होना चाहिए था, एक ही जगह पर यहां तो पहले से ही ए है, इसका मतलब बी बाहर नहीं देखेगा, बी सेंटर फेसिंग रहेगा केस वन में। एक दो सी यहां सेट हो जाएगा। उसी तरीके से बी का इधर देखते हैं, अगर बी बाहर देख रहा होता तो एक दो सी यहां सेट होता आउटवर्ड फेसिंग, अगर सेंटर फेसिंग होता तो सी को कहाँ आना चाहिए था, एक ही जगह पर यहां पर पहले से ही ए है, तो इसका मतलब बी इस केस में आउटवर्ड फेसिंग रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। देर इज थ्री पीपल सिट बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में तीन लोग बैठेंगे, तो एक दो तीन ई आ गया यहां पर। ये तो लेफ्ट साइड से आपने ऐसे देखा, इस तरफ से अगर तीन लोग होते तो एक दो तीन फिर भी ई यही आता। ठीक है, तो दोनों तरफ से ई यही सेट होगा, बी में भी यही होगा, एक दो तीन ई यहां पर है। इस तरफ से देखते हैं आप तो भी एक दो तीन ई यही सेट होता। ठीक है, तो दोनों केसेस में बी और ई की पोजिशन सेट है। आगे बढ़े, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। तो बोला गया कि डी एफ के सेकेंड लेफ्ट पे है और एफ जो है वो ए का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ए के इमीडिएट नेबर मतलब ना एफ यहां आएगा ना एफ यहां आएगा। तो कौन सी जगह बचती है एफ के लिए, कौन सी जगह बचती है एफ के लिए, एफ के लिए यही जगह बचती है, तो एफ यहां पे सेट हो गया। उसी तरीके से इसमें भी कर लेते हैं, ना यहां आएगा ना ही यहां आएगा, तो एफ के लिए कौन सी जगह बचती है, एफ के लिए सिर्फ ये जगह बचती है, तो एफ यहां सेट हो चुका है। अब उसके अलावा क्या बोला था, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ किस तरफ पॉइंटिंग है ये हमें पता नहीं, तो ये देखना पड़ेगा हमें। जैसे मान लेते हैं एफ है आउटवर्ड फेसिंग, अगर एफ आउटवर्ड फेसिंग होता
तो इसका सेकंड लेफ्ट कहाँ था, एक दो, यहां पर डी को सेट किया जाता, ठीक है, आउटवर्ड। अगर इनवर्ड फेसिंग होता तो एक दो एच की जगह पे डी आना चाहिए था, पर यहां तो पहले से ही एच है, इसका मतलब एफ केस वन में आउटवर्ड फेसिंग। अब केस टू में देखते हैं, केस टू के अंदर एफ को मान लेते हैं कि सेंटर फेसिंग है, तो डी कहाँ आएगा, एक दो डी आपका आ जाएगा यहां पर, ठीक है। मान लीजिए अगर आउटवर्ड फेसिंग होता तो कहां था डी, एच की जगह पर यहां तो पहले से ही एच है, तो इसका मतलब एफ क्या होगा, सेंटर फेसिंग ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच फेसेस सेम डायरेक्शन एज एच, जो एच के इमीडिएट नेबर है एच वाली डायरेक्शन ही फेस करेंगे, तो ई भी बाहर देखेगा सी भी बाहर देखेगा, यहाँ पे एच सी भी अंदर देखेगा ई भी अंदर देखेगा। एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एफ कहाँ बैठता है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एफ बैठता है थर्ड टू द लेफ्ट, तो एक दो तीन थर्ड टू द लेफ्ट इस तरफ ही आ रहा है, पर ये तब आएगा जब ए किस तरफ फेसिंग हो, सेंटर फेसिंग हो, तभी तो ये लेफ्ट बनेगा, अगर आउटवर्ड होता तो ये राइट बन जाता, इसका मतलब क्या है, ए क्या है, सेंटर फेसिंग है, और ये बोल भी रखा है ए फेसेस सेंटर, ए फेसेस सेंटर। अब केस टू के अंदर देखते हैं, केस टू के अंदर अगर ये फेसेस सेंटर है तो इसके थर्ड लेफ्ट पे क्या एफ आ रहा है, तो देख लेते हैं, एक दो तीन नहीं, बिल्कुल एफ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका केस टू क्या है, एलिमिनेट हो चुका है, रॉन्ग केस है, केस वन आपका ट्रू केस बन गया इस इंफॉर्मेशन से। कौन सी इंफॉर्मेशन, एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए हु फेसेस सेंटर, इस इंफॉर्मेशन से आपका केस टू एलिमिनेट हो चुका है, सारी टेंशन खत्म हो चुकी है। आगे बढ़िए, द इमीजिएट नेबर्स ऑफ ए फेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए, इमीजिएट नेबर ऑफ ए फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ए, तो ए कहाँ देख रहा है, सेंटर, तो इसके इमीडिएट नेबर्स कहाँ देखेंगे, बाहर, ये भी कहाँ देखेगा, बाहर, यहाँ पर कौन सिट करेगा, सभी सिट हो चुके हैं, सिर्फ एक मेंबर एक फ्रेंड आपका बचा है, कौन सा, जी, तो जी को भी बिठा दिया, तो जी की डायरेक्शन आउटवर्ड है, ए की सेंटर, डी की आउटवर्ड, बी की सेंटर, एफ की आउटवर्ड, सी की भी आउटवर्ड, एच की भी आउटवर्ड और ई की भी आउटवर्ड, तो ये आपका ट्रू के सामने आ चुका है, ये आपकी सिटिंग अरेंजमेंट रहेगी। तो ये बहुत ही मीडियम से इजी लेवल का सवाल है, कोई नेसेसरी नहीं है कि इसी लेवल के सवाल आपसे पूछा जाए, हो सकता है ये सवाल भी पूछा जाए, पर चांस अच्छे हैं कि इसके अंदर एक वेरिएबल और डाल के आपसे सवाल पूछा जाए, माने कि जैसे हो सकता है कि सारे फ्रेंड्स के आपस में फ्रेंड ना देके फैमिली मेंबर्स हों और आपस में रिलेशन दे दिया जाए, ब्लड रिलेशन, और उसके साथ आपसे सवाल पूछा जाए, क्योंकि अब पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में भी लास्ट ईयर से लेवल बढ़ चुका है, तो लास्ट ईयर को आप बेंचमार्क नहीं मान सकते क्योंकि इस बार लेवल और ज्यादा बढ़ चुका है, पर फिर भी आपको आइडिया देने के लिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे सवाल पूछे गए थे आपके प्रैक्टिस के लिए और किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल को हम अप्रोच करते हैं वो बताने के लिए सेशन में लेकर आया था। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, अगर सेशन से कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, और ही ऐसे अच्छे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के सेशंस में लाता रहूंगा रेगुलरली। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।